आप क्या करोगे अगर आपको खतरनाक तूफान या आंधी की चेतावनी मिले? आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखोगे? दुनिया में हजार लोग जो कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाके में रहते हैं, वे बाढ़ का सामना करते हैं, जबकि पानी के कारण कोस्टल एरियाज में बाढ़ चढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोगों को पहले से चेतावनी मिलती है, लेकिन कभी कभी कोस्टल एरियाज में बाढ़ अचानक से आ सकता है और हमें क्या करना चाहिए ये पता नहीं चलता। आप यही सोचते हैं कि तूफान और आंधी, तेज हवा और गंभीर बारिश के कारण कोस्टल एरियाज में बाढ़ चढ़ सकता है, लेकिन दूर इलाके में आंधी तूफान और समुद्र में सुनामी के कारण भी कोस्टल एरियाज को क्षति पहुंचती है। यहां तक कि नदी में बाढ़ पानी से भी कोस्टल एरियाज में आ सकता है, जिससे बाढ़ चढ़ सकता है। सुरक्षित रहने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह के संकेत को ढूंढना चाहिए। तूफान के समय तेज हवा समुद्र के कारण समुद्र के तट पर पानी को ढकेलता है, जिससे समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता है। इसे स्टॉर्म सर्च कहते हैं। इसे कई मीटर के पानी समुद्र के कोस्टल एरियाज तक आ सकता है और पानी कुछ दूर जमीन पर भी आ सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ चढ़ सकता है, संपत्ति को नुकसान और लोगों की जान जा सकती है। हाई टाइड के समय बाढ़ का पानी और भी खतरनाक हो सकता है। आंधी और तूफान से लोगों की जान जाती है। लंबे समय से बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ के पानी चढ़ जाती है, जिससे रिवर बैंक ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसे में बाढ़ बिना किसी चेतावनी के भी आ सकता है, जो बहुत खतरनाक होता है, खासतौर पर तूफान के समय। यहाँ तक कि उन जगहों पर जहाँ आंधी तूफान ना हो, वहाँ पर भी स्टॉर्म सर्च हो सकता है। आंधी तूफान के कारण समुद्र में बड़े लहर के कारण भी बाढ़ आ सकता है, जिससे समुद्र के तट से काफी दूर से पानी आ सकता है। तूफान से पहले और बाद में इसका असर काफी दिनों तक रह सकता है। बड़े लहर के कारण समुद्र का पानी तट से जमीन पर आ सकता है। बाढ़ के पानी से जानवरों और लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इससे फ्लड रास्ता, पोर्ट्स तथा अन्य जगह पर नुकसान होता है। हमारे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए? अगर आप उस जगह पर रहते हैं जहां कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, तो हमेशा एली वार्निंग साइंस का पालन करें, जिसे गंभीर बारिश, समुद्र में हवा जिससे बाढ़ चढ़ सकता है। अपने राहत केंद्र यानी इमरजेंसी शेल्टर के बारे में जानिए, पता लगाइए कि वे कहां पर स्थित है। वर्तमान इमरजेंसी सूचना के लिए स्थानीय चेतावनी को सुनिए और आदेश का पालन कीजिए। अगर आपको इवैक्यूएट करने के लिए बताया गया हो, तो तुरंत करिए, ऊंची मंजिल पर जाइए। अगर बाढ़ के कारण आप किसी इमारत में फंस गए हैं, तो कृपया सबसे ऊंची जगह पर जाइए। ऐसी जगह पर ना चढ़े जहां आप बाढ़ के पानी से फंस सकते हैं। कृपया पुल पर ड्राइव न करें। बिना कोई चेतावनी से तेज बाढ़ के पानी से पुल टूट सकता है, जिससे आपकी गाड़ी भी डूब सकती है। बाढ़ के पानी में पैदल ना चले, स्विमिंग ना करें और ड्राइव भी ना करें। पलट जाए और डूबने से बचे, ये जानकारी को जानते हुए हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। बाढ़ के पानी से लोगों की जान जा सकती है।